देसी गौ माता का जो गोबर है वो एंटीबैक्टीरियल है, किसी भी तरह की इचिंग समस्या, स्किन प्रॉब्लम अगर ज़्यादा तीव्र हैं तो उनके लिए देसी गौ माता का गोबर शरीर पर लेपन करने से प्रत्याशित परिणाम आते हैं और रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन होना चाहिए शुद्ध देसी गौ माता, रोड पे चलने फिरने वाली नहीं हो, तो वो तो कचरा खा रही है, गड़बड़ हो जाएगी। शुद्ध गौशाला आदि इत्यादि में हो, उस गौ माता का जो गोबर तुरंत हुआ है उसको आप लेपन कीजिए शरीर पर, आपके स्किन प्रॉब्लम्स में आपको बहुत तेजी से रिलीफ मिलेगा। ठीक वहीं पर गौ माता का जो गौमूत्र है वो, उसके तो चमत्कार कितने हैं, मैं कितने बताऊं, वो भी स्किन रोग के लिए अच्छा है और वो पीने में भी अच्छा है, उससे शरीर का शुद्धिकरण होता है, कई बीमारियों को दूर करता है, कई बीमारियों को। लेकिन अगर आप रेगुलर गौर्क पी रहे हैं तो कभी भी 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप देना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। आपके शरीर से अगर दुर्गंध आती है, कई लोगों का जो पसीना होता है, स्मेल बहुत होती है, वो ये देसी गौ माता के गोबर से स्नान करे, वीकली भी स्नान करे, एक सीजन कर ले, उसके शरीर की दुर्गंध खत्म हो जाएगी, दर्शन है हमारे। अब बात आते हैं देसी, वो जो गौ माता है उसकी पूछ का झाड़ा, वो क्या है? देसी गौ माता अपने आप में चलता फिरता स्वर्ग है जिसमें 33 कोटि देवता वास करते हैं, और उन 33 कोटि देवताओं की कृपा है श्री गौ माता, और जिसने गौ माता को नहीं जाना उसने विश्व में कुछ नहीं जाना, ये समझ लीजिए। तो उन गौ माता की जो पूंछ का झाड़ा है, उस झाड़े में होती है पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा। अगर आप 10 मिनट सिर्फ उसको पकड़कर बैठ जाएं तो आपका डिप्रेशन चला जाएगा, सोचिए इतनी ताकत है उसको। आप कभी उदास हैं, आप उसको ले लें, उसका झाड़ा लगाने से आपके शरीर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा वैसे ही चली जाती है जैसे सिंह की दाढ़ से छोटे मोटे पशु पक्षी सब दूर भाग जाते हैं, ये दर्शन है हमारा। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में गौ माता से प्रेम कीजिए, दुनिया में इधर उधर के प्रेम छोड़िए, जहां से तुम्हारा घर परिवार तुम सही हो सको वहां अपना दिमाग लगाइए, जहां हो सके अपने स्तर पे गौ सेवा कीजिए, कोई गाय मिल जाए उसकी सेवा कीजिए। आपको चाहिए कि जहां हैं जिस स्थिति में हैं गौ सेवा करें, आप 50 मंदिरों में भटकने से अच्छा एक गौ माता की सेवा कर लीजिए। एक गौ माता को एक रोटी देना मतलब 33 कोटि देवताओं को रोटी जाना। क्या 33 कोटि देवताओं को एक दिन में आप रोटी दे सकते हैं? अलग अलग नहीं दे सकते, लेकिन अगर एक गौ माता को एक रोटी दे दी तो 33 कोटि देवताओं को रोटी जा रही है। ये स्मार्ट वर्क नहीं है तो क्या, बताओ आप, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो फिर परमात्मा कृपा करे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप सिर्फ गौ माता को अगर साध लें तो आपका जीवन सद जाएगा। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौ मूत्र के अंदर गंगा का वास है, और हम उस गाय को नहीं समझ पा रहे, विदेशी लोग समझ रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना अहित हम स्वयं कर रहे हैं, किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं। मैया ने लाला को सुंदर आनंद किया, सब लोग मैया के साथ हैं, मैया बड़ी घबराई हुई है, उसके बाद सुंदर सुगंधित तेल से लाला की मालिश हुई। तेल से जब करते हैं तो बाकी जो है वो भी निकल जाता है, और बढ़िया सुंदर सुंदर तरीके से तेल, सुगंधित तेल लाला के शरीर पे लगाया गया, बड़ा आनंद हो गया, दर्शन आता। उसके बाद मैया ने लाला का श्रृंगार किया, उसकी आंखों में काजल, पैरों में सुंदर पाजेब, और जैसे जैसे एक माँ अपने लाला का श्रृंगार कर सकती है, यशोदा उस दर्शन से अपने लाला का श्रृंगार कर रही है बड़े ही दिव्य भाव से, और जितनी आसपास गोपियां खड़ी हैं, ग्वालने खड़ी हैं, वो बस हतप्रद होकर सिर्फ और सिर्फ कृष्णचंद्र भगवान को देख रही हैं, देखने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं।
क्योंकि वो इतने मंत्रमुग्ध कर रहे हैं अपने दर्शन से, इतना मंत्रमुग्ध कर रहे हैं कि जीव के पास कुछ और विचारने और सोचने का मौका ही नहीं है।